तो आज का ये वीडियो आप लोग जरूर से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आज हम बताएंगे आप लोग को, अगर आप लोग सर्किट पर काम करते हैं या फिर सर्किट आप कोई चीज बनाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से सर्किट को किस तरीका से जो है कि बना सकते हैं। जैसा कि देखिए, मेरा यहाँ पर एक जरूरत पड़ा है मेरा सामान का, तो हम यहाँ पर इस बॉडी का यूज करके इसमें तीन अलग अलग सिस्टम जो है कि हमने यूज किया है, और इसका आउटपुट वायर आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से हमने निकाला है जो कि 5 वायर है। ये सिस्टम हमने इसमें तीन सिस्टम रखा है अलग अलग, जो कि हमको यहाँ पर जरूरत था इस तरीके से। तो आप भी अगर चाहें तो बना सकते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में कंप्लीट जरूर से देखिएगा वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में आपको टोटल चीज बताएंगे कि ये जो है किस तरीके से काम कर रहा है, क्या क्या इसमें सेफ्टी है। तो अभी आप देखिए इसको जो है कि यहाँ पर क्या क्या हमने यहाँ पर लगाया है। ये स्विच है, 2 यहाँ पर इंडिकेट के लिए, 3 इंडिकेट के लिए हमने लगाया है। यहाँ पे सेंसर 2 हमने लगाया है। तो और क्या क्या इसमें काम करता है, किस तरीके से करता है, वो चीज आपको जानना यहाँ पर बहुत ही जरूरी है। तो 3 चीज हमने यहाँ पर जो है कि इसमें ऐड किया है, पहले ही आपको बताया है। तो वो 3 चीज क्या क्या है, तो जैसा कि यहाँ पर एक चीज तो ये है कि मान लीजिए कि बाहर से जो भी यहाँ पर करंट आता है, जो कि डायरेक्ट यहाँ पर करंट आता है 220 वोल्ट, तो उसमें क्या है ना कि मान लीजिए कि वो डायरेक्ट जो आ रहा है तो वो कभी कभी क्या है ना कि भक भुक करता है। तो एक तो काम ये करेगा कि उसको जो है कि कंट्रोल करेगा, वो जब भी मान लीजिए कि वो जब तक मतलब स्टेबल नहीं होगा तब तक ये आउटपुट नहीं देगा। ये एक चीज हो गया। और दूसरा इसमें यह है कि मेरा ये जरूरत था, जैसा कि मान लीजिए मेरा घर में जो फ्रिज है, तो फ्रिज में क्या है ना कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि फ्रिज जो है कि मेरा रात भर यहाँ पर चालू रहे। इसी के चलते आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका आउटपुट का जो वायर हमने निकाला है ये 5 निकाला है। 5 क्या क्या निकाला वो सारा चीज आपको पहले समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक समझिएगा नहीं आपको नहीं समझ में आएगा इसके अंदर क्या हमने लगाया है, किस तरीका से काम कर रहा है। तो समझना आपको पहले बहुत ही जरूरी पड़ेगा, तभी जो है आपको समझ में यहाँ पर आएगा। और इसका आउटपुट का लोड का बात करें तो ये 30 एम्पियर तक का लोड लेता है, जो कि आप लोग सभी भाई लोग जानते हैं 30 एम्पियर काफी ज्यादा होता है। तो आउटपुट में इसके आप 30 एम्पियर पर लोड दे सकते हैं, जैसा कि देखा जाए तो पूरा घर का ये लोड ले सकता है बिल्कुल भी आसानी तरीका से। तो दूसरा मेरा क्या था कि यहाँ पे जैसे कि फ्रिज के लिए था, तो फ्रिज जो क्या है ना कि हम नहीं चाहते हैं कि मेरा जो फ्रिज जो है रात भर चालू रहे। तो फ्रिज के यहाँ पर जो है कि ऑटोमेटिक ये फ्रिज को जो है कि बंद करेगा, यानी कि हम चाहते हैं कि सोने से पहले, यानी कि अगर हम लोग सोने जाते हैं तो मैन लाइट को बंद करते हैं, वैसे मैन लाइट के साथ कोई भी कनेक्शन इसका नहीं रहेगा, लेकिन क्या है कि मैन लाइट जैसे ही बंद करेंगे तो ऑटोमेटिक ये जो बंद हो जाएगा, और सुबह उठ के हमको चालू भी नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक जो है कि फ्रिज को चालू कर देगा। ये हमने अपना हिसाब से बनाया है, आप चाहे तो कोई भी चीज यहाँ पर बना सकते हैं। और तीसरा जो है कि हमने ये यहाँ पर बनाया है, जैसा कि मान लीजिए मेरे घर में जो बोर्ड लगा हुआ है वो काफी ऊंचा पर है, तो बच्चा लोग जो है कि उसको मतलब अच्छा तरीका से वहां पर नहीं पहुंच हाथ नहीं पहुंचता है, तो उसके चलते जो है कि यहाँ पर रिमोट सेंसर हमने यहाँ पर बनाया है ताकि उसको ऑन ऑफ कर सकें। तो 3 चीज यहाँ पर अलग अलग है। चलिए इसका वायर पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर करके चेक करके इसको काम किस तरीके से कर रहा है वो चीज आपको दिखा देंगे। तो ये एक ब्लैक ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं, ये रेड है। तो ये तो हो गया इनपुट का। आप ये सोचते होंगे कि ये इतना पतला क्यों है, तो जैसा कि इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई भी लोड नहीं है, लोड इस पर रहेगा, ठीक है, इस पर कोई भी लोड नहीं है, ये सिर्फ इसके पावर के लिए सप्लाई के लिए यहाँ पर न्यूट्रल है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो न्यूट्रल हो गया, ये इसका फेस हो गया जो मैन हो गया। अभी जैसा कि हमने आपको बताया यहाँ पर ये करंट जो मैन एक सप्लाई जो आउटपुट निकलेगा वो इससे निकलेगा, इसके थ्रू में जो है कि आपका घर में जाएगा, घर का जो भी आपका लोड होगा उसमें जाएगा। ये तो हमने खास करके अपने लिए यहाँ पर इसमें 2 अलग से ऐड किया है, तो इससे जो है कि टोटल काम करेगा। जैसा कि मान लीजिए करंट अगर आता है तो भक भुक करता है, तो उससे आउटपुट में हम लोग का जितना भी सामान रहता है, चाहे फ्रिज कूलर टीवी जो भी होगा, तो होता क्या ना है कि वहां पर जो है कि वोल्टेज अगर मान लीजिए ज्यादा आ गया या कम आ गया जो भी आता है, या मतलब भग भूक करता है, तो वहां पर क्या है खराब होने का चांस रहता है। तो ये क्या है कि भग भूक आपको नहीं करने देगा, जब तक भी आपका करंट जो है कि स्टेबल ना हो जाए तभी ये आउटपुट देगा, नहीं तो नहीं देगा ये, ठीक है। यानी कि 10 सेकंड के अंदर में ये आउटपुट दे देगा, एक टाइमर की तरह ये काम करता है। तो ये रहा उसका वायर। और जो फ्रिज का हमने यहाँ पर बताया कि फ्रिज मेरा यहाँ पर जो है कि रात भर नहीं चालू रहना चाहिए, तो ये रात को बंद करेगा, यही बार ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक चालू भी करेगा। और ये मेरा रहा फैन का। तो सारा कुछ आपको वायर यहाँ पर समझ में आ गया है। चलिए अब इसका लोड देके इस पर देखते हैं, यानी कि लोड के लिए तो यहाँ पर हम यूज करेंगे ये बॉल का यूज करेंगे, बाकी आप चाहे तो कुछ भी चीज यहाँ पर चला सकते हैं। सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये 3 बॉल का यूज करेंगे, जो कि यहाँ पर 3 वायर हमने अलग से निकाला है। तो एक तो मेरा 9 वाट का ये हो गया बॉल, एक यहाँ पर 100 वाट का हो गया, और एक नाइट लाइट हो गया सिर्फ चेक करने के लिए। तो इसके लिए तो हमको यहाँ पर होल्डर चाहिए, तो 3 होल्डर यहाँ पर हमने ले लिया है। तो कनेक्शन जैसा कि यहाँ पर होता है वैसे ही करना है, न्यूट्रल जो होगा सारा एक में रहेगा, जितना भी न्यूट्रल जैसा कि हम लोग का घर में वायरिंग रहता है सेम वही रहेगा, तो इसका भी न्यूट्रल और इसका भी न्यूट्रल, तो सबका न्यूट्रल यहाँ पर एक एक करके हमको इस तरीका से जोड़ लेना है, ठीक है। ये इसका हो गया न्यूट्रल, और न्यूट्रल एक मेरा यहाँ पर है जो कि इसमें है,
तो चलिए ये जितना भी ये तीन होल्डर का जो वायर है वो सारा न्यूट्रल एक साथ कर देते हैं ताकि ये न्यूट्रल एक में रहे। ये ऐसा देखा जाए तो काफी काम का चीज है। मान लीजिए बाय चांस अगर काफी हाई वोल्टेज अगर आता है तो कोई भी सामान आपका जो यहाँ पर घर में चलता है वो जलने का चांस होता है, लेकिन ये खुद जल जाएगा, उसको नहीं जलने देगा। और काफी भाई लोग ये भी सोचते होंगे कि यहाँ पर ये तो स्टेपलाइजर भी काम कर रहा, तो मान लीजिए स्टेपलाइजर सबके घर में नहीं होता है। जैसा कि मान लीजिए आपके घर में कोई सा भी स्टेपलाइजर हो, चाहे 5 के भी, 6 के भी, जितना 10 के भी, कोई सा भी होगा तो वो तो वहां पर कंट्रोल कर लेता है, लेकिन उसी का समझिए कि एक छोटा भाई है ये जो कंट्रोल कर लेगा उसको उसी हिसाब से। अभी चलिए इसका न्यूट्रल जो हमने कनेक्ट कर दिया है, बाकी इसका एक एक फेस वायर बच रहा है सभी होल्डर में से। तो इसका जो ये फेस यहाँ है तो एक एक करके हम जोड़ ले रहे हैं, उसके बाद बॉल के जरिए से आपको बताएंगे कि कौन सा क्या है। ठीक है, ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा हम क्या जोड़ रहे हैं। वैसे तीन यहाँ पर मेरा आउटपुट है, चलिए तीनों यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं। एक और बचा, ये मेरा ग्रीन है। चलिए यहाँ पर कनेक्शन हमने कर दिया है, अब चलिए यहाँ पर आपको हम बताते हैं कि कौन सा मेरा क्या है। तो ये जिसमें हम ये नाइट लाइट लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये नाइट लाइट, तो ये मेरा रहेगा जो पूरा घर का जो आउटपुट रहेगा टाइमर के थ्रू, यानी कि ये 10 सेकंड रोक करके पूरा घर को सप्लाई को चालू करेगा, टोटल जितना भी घर का सप्लाई है आउटपुट में, इसके थ्रू आउटपुट में, तो ये टोटल सप्लाई को ऑन करेगा यहाँ पर। तो क्योंकि हम पूरा घर का लोड इस पे ही देने वाले हैं, तो वो इंडिकेट ये वाला बॉल करेगा जो कि नाइट लाइट है। अभी यहाँ पे चलिए ये मेरा रहा फ्रिज का, तो फ्रिज के लिए हम ये 9 वाट का बॉल दे रहे हैं, तो बॉल से आप पहचान कर सकते हैं, क्योंकि वैसे आपको नहीं समझ में आएगा, तार यहाँ पर काफी ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। और ये 100 वाट रहेगा जो कि मेरा फैन का लिए है, रिमोट से जो सेंसर पे काम करेगा उस तरीका से। चलिए तो ये बॉल आपका पहचान है यहाँ पर, अब इस पे हमको सप्लाई देना है। तो सप्लाई का मेरा पास 2 वायर बच गया, एक तो ये फेस है और एक यहाँ न्यूट्रल है। तो एक पावर प्लग से हम यहाँ पर इसमें सप्लाई दे देते हैं, ये मेरा पावर प्लग है, तो एक यहाँ से हम फेस दे देते हैं। चलिए एक फेस हो गया और एक न्यूट्रल हो जाएगा। चलिए एक न्यूट्रल हो चुका है, अब इसमें हम सप्लाई देते हैं और आपको देखना है कि ये काम किस तरीका से करना है, करता है। यहाँ पे इंडिकेट भी करेगा, इंडिकेट आपको यहाँ पर समझना होगा। पहला जैसे ही सप्लाई देंगे यहाँ पर रेड लाइट इसमें जलेगा और एक फ्रिज का लिए यहाँ पर जलेगा, क्योंकि जब ये आउटपुट करेगा तब तो ये लाइट से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसको हम लगाते हैं अपने बोर्ड में जो कि यहाँ पर मेरा सप्लाई आ रहा है यहाँ से, और इसको हम यहाँ से ऑन करते हैं। तो अभी देखिए रेड लाइट यहाँ पर जल चुका है और अभी कोई भी सप्लाई यहाँ पर ऑन नहीं है, दोनों चीज आपको दिख रहा है। अभी यहाँ पर ये सेकंड कुछ सेकंड लेगा, उसके बाद जो है कि सप्लाई आउटपुट चालू करेगा। ये देखिए यहाँ पर सप्लाई आउटपुट चालू कर दिया, तो इसको टेस्टिंग किया था इसके कारण जो है कि अभी यहाँ पर सभी ऑन है। चलिए एक एक करके इसको हम बंद करते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि रिमोट पे हमने यहाँ पर इसको काम रखा था, तो चलिए एक ये 100 वाट को, तो इसको हम बंद करते हैं। ये देखिए ये रिमोट से हमने ये 100 वाट को बंद किया, जो कि ये फैन के लिए बच्चा के लिए हमने बनाया, ताकि कोई भी बच्चा इसको आके ऑन ऑफ कर सके। अभी यहाँ पर देखिए ग्रीन इंडिकेट कर रहा है और एक छोटा और भी यहाँ पर इंडिकेट आपको दिख रहा है ऊपर में, शायद आपको कैमरा में यहाँ पर नहीं दिख रहा, आपको दिखाने का कोशिश करेंगे, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए ये जो ग्रीन है ये कंटिन्यू आउटपुट जो ये नाइट लाइट जल रहा है, यानी कि टोटल घर का सप्लाई आउटपुट वो बता रहा है, और ये छोटा वाला ग्रीन अभी ये बता रहा है कि मेरा फ्रिज जो है कि ये चालू है, ये ऑटोमेटिक रेड हो जाएगा। रेड कब होगा, जब ये जो 9 वाट का बल्ब जो है कि ये जब बुझ जाएगा तब। तो ये कैसे बुझेगा, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो मेरा टोटल यहाँ पर लाइट है, ठीक है, इस तरीका से आपको रख रहे ताकि छोटा वाला एलईडी भी आपको यहाँ पर दिखे, टोटल जो मेरा लाइट है उसको पहले बंद करना पड़ेगा, ताकि इसको यहाँ पर समझ में आए कि मैंने रात हो चुका है। तो चलिए हम लाइट यहाँ पर थोड़ा देर के लिए यहाँ पर बंद करते हैं। अभी लाइट हमने बंद कर दिया है, इसका लाइट जो है कि रिटर्निंग आ रहा है लाइट से, तो चलिए रिमोट को थ्रू जो है कि हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा इस तरीका से छिपा देते हैं। तो अभी देखिए ये लाइट बंद कर चुका है और यहाँ पर रेड अब हो गया, आप देख सकते हैं रेड लाइट जल रहा है। अब हटाएंगे तो ये देखिए इसको थोड़ा सा हमको लाइट अप देना पड़ेगा, क्योंकि अभी इंडिकेट नहीं कर रहा। चलिए एक पावर बैंक के थ्रू हम यहाँ पर इसको लाइट देते हैं, ये मेरा पावर बैंक है, चलिए इसके थ्रू हम इसको देते हैं। ये देखिए तो ये यहाँ पर ऑन हो गया, यानी कि जैसे ही दिन होगा ये ऑन हो जाएगा। चलिए लाइट हम यहाँ पर चालू करते हैं, तो ये तो हो गया। दूसरा ये अभी इंडिकेट कर रहा है कि ये फ्रिज का है, ये चालू है, इस तरीका से काम कर रहा है। और ये जो है कि टाइमर पे काम किया था, जैसा कि चलिए फिर से इसका मेन लाइट हम यहाँ पर बंद करते हैं, तब आपको समझ में आएगा।
मान लीजिए लेन यहाँ पर आ रहा है तो ये डायरेक्ट जो है कि आउटपुट नहीं चालू करता है। देखिए लाइट यहाँ पर आया, रेड यहाँ पर जल चुका है लेकिन आउटपुट नहीं चालू किया है। अभी ये कुछ कुछ सेकंड के लिए इसको रोकेगा, इसको जब समझ में आएगा कि स्टेबल है तभी ये चालू करेगा। देखिए इसको समझ में आया कि ये करंट अभी स्टेबल है तब जो है कि इसको आउटपुट यहाँ पर चालू कर दिया, जो कि स्टेबल यहाँ पर ग्रीन ये वाला है और ये तो इसके लिए है जो कि फ्रिज के लिए है। तो ये इस तरीका से यहाँ पर काम कर रहा है ये सर्किट, जो कि तीन अलग अलग सर्किट को हमने एक इसमें बनाया है। और अगर आप इसको अंदर देखना चाहते हैं कि इसको किस तरीका से बनाया है, तो डिस्प्ले पे भी आप देखिए एक किट यहाँ पर आपको दिख रहा है, जो कि ये जो किट आपको जो दिख रहा है ये किट इसका नहीं है, ये किट हमने एक पीसीबी जो है कि अलग से लिया है। अगर आप इसको इस तरीका से देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ऐसे देखने में सिंपली दिखा दे रहे हैं कि क्या क्या हमने यहाँ पर यूज किया है। आपको यहाँ पर तीन रिले आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो जो अब यहाँ पर ब्लैक कलर का रिले आपको देखने के लिए मिल रहा है वो रिले यहाँ पर 30 एम्पियर का है जो कि मेरा मैन है, और बाकी जो यहाँ पर दो रिले आपको पीला कलर का देखने के लिए मिल रहा है वो 10 10 एम्पियर का दो हमने लगाया है जो कि फ्रिज के लिए और फैन के लिए, और बाकी मैक्रो कंट्रोलर एक लगाया है जो कि मैक्रो एक आईसी है और एक 555 टाइमर आईसी है। आप दोनों यहाँ पर देख रहे हैं और बाकी यहाँ पर ट्रांजिस्टर वगैरह रजिस्टर वगैरह सारा कुछ देख करके ये तीनों सर्किट जो है कि यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। और इसका बैक साइड देख सकते हैं, यह भी बैक साइड हम आपको दिखा रहे हैं। बैक साइड में यहाँ पर कुछ कनेक्शन आपको इस तरीका से दिख रहा है जो कि मुश्किल है यहाँ पर समझना, हम समझ सकते हैं, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसका वीडियो जो अलग अलग से हमने बनाया है, ये तीन अलग अलग जो है कि सिस्टम है जो कि एक साथ हमने इसको करके यहाँ पर बनाया है अपने हिसाब से। आप चाहें तो अपने हिसाब से यहाँ पर बना सकते हैं, तो इसका जो है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप चाहें तो वहां से एक एक करके वीडियो देख सकते हैं। और जो भाई लोग कमेंट कर रही कीजिएगा अगर खास करके कि इसका टोटल मतलब चाहिए हमको, तो वो भी हम यहाँ पर आपको दे सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और जो भाई लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब तो करके जाए क्योंकि हर तरीके का वीडियो लाते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।